सारनाथ रिवर गंगा और वरुणा के संगम के करीब और बनारस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। सारनाथ की बौद्ध धर्म में बहुत ही अहम भूमिका रही है। ये वही जगह है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट के बाद अपने पहले 5 शिष्य को धर्म चक्र का परिवर्तन यानी टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ का ज्ञान दिया था। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द लास्ट डे इन बनारस और ये लास्ट लोकेशन भी है और यहाँ से फिर निकलेंगे हम लोग रांची के लिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जो बनारस के ऊपर है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, मेरे चैनल पे जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड दिस इज़ द लास्ट लोकेशन वी आर विजिटिंग टुडे और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं हूँ अभी सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल में जो कि बनारस में ही है। अभी स्टार्ट करूंगा इस जर्नी को इस सारनाथ टेम्पल की और सारी हिस्ट्री और जो भी डिटेल्स अवेलेबल होंगी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो चलिए एक एक करके इस जगह के बारे में बताता जाता हूं आपको। तो पहले एक ओवरव्यू आप देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुल एरिया है ये पूरा ग्रीन। तो जो सबसे पहला लोकेशन है हमारा ये है बोधि ट्री। बोधि ट्री जो असल में तो पीपल का पेड़ है पर दुनिया में बोधि ट्री बस 3 है और ये तीसरा बोधि ट्री है। ओरिजिनल बोधि ट्री जो है वो है बोधगया बिहार में, दूसरा श्रीलंका कोलंबो में और ये है तीसरा। यहाँ बोधि ट्री के नीचे आप देखेंगे गौतम बुद्धा के 4 मूर्तियाँ। इसमें देखेंगे पहले सेंट्रल स्टैचू जो है ध्यान मुद्रा में यानी मेडिटेशन फॉर्म में, सेकेंड सबसे नीचे वो है आशीर्वाद मुद्रा यानी अभय मुद्रा जो भय से मुक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है यानी जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस एंड सेफ्टी। थर्ड एंड द लास्ट मुद्रा है जो आप दोनों साइड्स में देख रहे हैं, ये है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा और इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने धर्म का पहला उपदेश दिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये है टेम्पल और इसकी आर्किटेक्चर को कहते हैं पगोड़ा और इसे थाईलैंड गवर्नमेंट ने 1964 में बनाया था और ये पूरा स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। यहाँ जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये एक सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर है जो आशीर्वाद मुद्रा में है और इसकी हाइट 9 feet and 5 inches है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया बिहार में होते हुए भी इस पूरे कैंपस की मेंटेनेंस थाईलैंड गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते ही आप देखेंगे भगवान बुद्ध की विशाल काय मूर्ति जिसकी कुल ऊंचाई 80 फीट 9 इंचेस है और इसकी हिस्ट्री है एंशियंट टाइम से अफगानिस्तान में सिल्क रूट पर बुद्धिस्ट की होली साइट थी जिस पर लॉर्ड गौतम बुद्धा की ऐसी ही विशाल काय मूर्ति थी, इतनी ही बड़ी, जिसे तालिबान ने मार्च 2001 में बर्बाद कर दिया। ये मूर्ति बस उसकी ही रेप्लिका है जिसे बनाने में कुल लगे 10 साल और 2011 में ये बनकर तैयार हुई। यहाँ आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अशोकास पिलर यानी अशोक स्तंभ और ये है भारत की राष्ट्र चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अगर ऊपर से इसे देखें तो इस स्तंभ में कुल 4 शेर दर्शाए गए हैं, 3 सामने और 1 पीछे। बीच में आप देखें एक हाथी, एक शेर, एक बैल और एक घोड़ा है। पर ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं चलिए इसे जानते हैं। पहला है शेर, द लायन रिप्रेजेंट्स द इनलाइटनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा और ये लॉर्ड बुद्धा के वंशज यानी डायनेस्टी को भी दर्शाता है।
दूसरा है हाथी। दिस रिप्रेजेंट्स द कंसेप्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तीसरा है बैल यानी ऑक्स। ऑक्स रिप्रेजेंट्स द होरोस्कोप ऑफ बुद्धा जो तौरस थी, और तौरस का सिंबल बैल होता है। चौथा है घोड़ा। घोड़ा इसलिए क्योंकि जब बुद्धा अपने राजपाट को त्याग कर सत्य की खोज पे निकले थे तो उनके पास सिर्फ उनका घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, और इसलिए घोड़ा इस अशोक चिन्ह पे, अशोक पिलर पे दर्शाया गया है। और इन सभी चीज़ों के बीच में आप देखेंगे चार चक्र जो धर्म चक्र परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। और इस पिलर के सबसे नीचे देखें तो दिखेगा ये सारी चीज़ें एक उल्टे लोटस यानी कमल के फूल पर डिज़ाइन किया गया है। वो इसलिए कि जब बुद्धा ने परिनिर्वाणा को अपनाया यानी अपनी मृत्यु के लिए समाधि लिया, तो उनके पास जो लोटस था वो मुरझाकर बिल्कुल ऐसे ही उल्टा हो गया था, और इसलिए इस लोटस की इम्पॉर्टेंस है और इस लोटस को अशोक पिलर में दर्शाया गया है। इस कैंपस में आप कई जगहों पर देखेंगे ऐसे अशोक चक्र, और यही अशोक चक्र की इमेज हमें अपने नेशनल फ्लैग पर भी देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं अपने बनारस से रांची तक की सफ़र, और कहते हैं बनारस को अलविदा। सो वी आर ऑल रेडी टू लीव। अच्छे से तैयार हो गई है अपनी गाड़ी, फाइनल चेक। चले, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ये कौन सा रास्ता दिख रहा है भाई? BHU के अंदर से जा रहे हैं क्या? अभी जो रूट हम लोगों ने लिया वो है ये BHU के पीछे, ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री वाले BHU की अंदर से भी रूट है, लेकिन अंदर वाले रूट का गेट इसी रूट पे आके खुलता है, और जाने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है ये, कार हो या बाइक हो यहाँ से जा सकते हैं आराम से, और विद इन 7 to 8 किलोमीटर आप पहुँच जाते हैं GT रोड। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एयर प्रेशर कम थी फ्रंट में, और इसकी हैंडल भी वॉवल कर रही है, और एयर प्रेशर उसका कारण नहीं है क्योंकि अभी तो एयर प्रेशर ठीक हो गया, लेकिन ये देखो मैं छोड़ नहीं सकता अभी, पर ये वॉवल कर रही है। अगर ये सभी KTM में है देन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। गंगा नदी, हर हर गंगे। तो ऑफिशियली एंड फाइनली बनारस को करते हैं अलविदा। रोड पे आपको दिखेगा ऐसे वेव बना हुआ, और अगर आप टू व्हीलर पे हैं और उस वेव पे चढ़ते हैं तो डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी, और अगर फोर व्हीलर पे हैं तो आपको पता चलेगा वो वेव, वेरी डेंजरस। और ये वेव्स बनते भी हैं हेवी ट्रक्स की वजह से, क्योंकि परमानेंट जहाँ पर ट्रक्स चल रही है और उनके बीच पे ही पटरी के जैसे ट्रक्स चल रही है। ये ओवरलोड का नतीजा नहीं है तो क्या है? सनराइज देखिए आप कितनी सुंदर। इस रूट में ये भी एक प्रॉब्लम है कि डाइवर्सन्स बहुत हैं, जिसकी वजह से
लेंस नैरो हो जाती है किसी भी टाउन पे पहुंचने से पहले। ये बात कोई ऐसी नहीं है हड़बड़ी या जल्दी वाली बात है, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके एक सेफ और अच्छा राइड करते रहना। तो राइट नाउ वी आर इन बिहार और ये बिहार की जर्नी लंबी होने वाली है। पहला 100 किलोमीटर अच्छे से हो गया विथ ईज। अभी टाइम हो गया 7 बज चुके हैं और वैसे सूरज देवता तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं लेकिन धूप भी अच्छी खासी है, लेकिन हवा में अभी भी एक अच्छा सा ठंडक है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाइस एंड प्लेजेंट एयर। डेहरी क्या कहें, ये देखो अब सोन नदी। तो फिर से आ गए सोन नदी पर, वो देखो ट्रेन जा रही है, वो रेलवे लाइन है दिल्ली वाली जो रांची और भी कई जगह से आती है लेकिन रांची खास करके मैं जानता हूँ जो आती है और सीधा दिल्ली जाती है, ये वही वाली लाइन है। ये ब्रिज जो है ये दो पार्ट में है, उस तरफ वाली जब ब्रिटिशर्स ने बनाया था और ये वाली है जो रिसेंट बनी है और पहले सिर्फ वही सिंगल यूज़ होती थी, ये वाली रिसेंट बनी है और उसकी भी क्वालिटी आज भी वैसे ही मेंटेन्ड है। रिपेयर वर्क चलती है पर स्ट्रेंथ वाइज आज भी वैसी ही है। 150 किलोमीटर हो गई है अपनी पूरी, अब देखते हैं कोई बढ़िया सी चाय की जगह। लगेज सीम्स फाइन, मुझे इसका डर लग रहा है यार, ये जो सैडल स्टे है ना टॉप रैक स्टे। एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ, वी हैव डन 175 किलोमीटर इन सिंगल स्ट्रेच, सब कुछ ठीक है। बट एक प्रॉब्लम जो है वो मेरी बाइक की अलॉय एयर लीक कर रही है। आराम से घर तक तो चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले इसको चेक कराना होगा सर्विस सेंटर में देखकर। चाय पी लिया, रिफ़्रेश हो गए, बॉडी को यार स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं एक वॉक कर रहा हूँ तब से, इधर से उधर इधर से उधर, पूरी बॉडी ऐसे टाइट हो गई थी और थोड़ा स्ट्रेचिंग करके वॉक करके अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर से बाइक पे। ये बाबा क्या मशीन है, ये किसी फैक्ट्री की मिक्सर लग रही है। एक चीज़ देखो आप, जैसे ही बिहार से झारखंड में ट्रांसफ़र हुए नेचर कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। वहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी थी आपके एग्रीकल्चर्स, यहाँ पे नेचुरल, इसी वजह से इसका नाम है झारखंड। झार यानी पेड़ पौधे जंगल। दिस इज़ द लास्ट टोल जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस जीटी रोड पे। इस टोल टैक्स के बाद हम लोग इस जीटी रोड को छोड़ देंगे और अपने रांची की तरफ मुड़ जाएंगे। और ये रहा हमारा टूर। अभी हमारी ट्रिप हो गई है 351 किलोमीटर की, यानी 350 किलोमीटर कर लिया हमने। एंड जो लास्ट अभी स्ट्रेच किया जहां हमने चाय पिया था वहां से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर नॉनस्टॉप बिना रुके। अब देखते हैं, लंच तो नहीं करेंगे क्योंकि अगर लंच किया तो फिर जो किलोमीटर बचा हुआ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर वो ख़राब हो जाएगा, ख़राब इन द सेंस कि आलस आ जाएगी कुछ अगर खा लिया तो।
रामगढ़ में रुकेंगे और होपफुली चाय पियेंगे। और अब दर्द भी शुरू हो रहा है। 35 से 40 किलोमीटर के बाद रुकते हैं, चाय पीते हैं। ये लीजिए, पहुंच गए हम रांची। यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी रांची की रिंग रोड। तो चलिए अपने बनारस के सफ़र को यहीं तक रखते हैं और लेते हैं आप सभी से अलविदा। अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। Till then, keep riding, keep exploring. Tata, goodbye, Jai Hind.